रोल है सर। इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। चर्चा करेंगे अपने साथियों के साथ में कि जो आज प्रदेश की बड़ी खबरें रही है, जिनके ऊपर चर्चा हो रही है, तो सबसे पहले जो बात निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि आने वाले समय के अंदर 10 तारीख को यानी परसों जो है कांग्रेस एक बड़ा किसान सम्मेलन करने जा रही है, जिसके अंदर जो कृषि बिलों को लेकर के जो एक मुद्दा उठाया हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे मेरे साथी दिनेश जांगी के साथ में। इसके अलावा दो खबरें हो रहे हैं उनके पास में, एक तो जो आज सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर के क्या डायरेक्शंस दिए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो अब पीसीसी के अंदर मंत्री दरबार नहीं लगेगा, पायलट एपिसोड होने के बाद में अभी एक बड़ा निर्णय और सामने आ रहा है कि जो मंत्री जो पहले बैठ करके पीसीसी में सुनवाई करते थे अब वो अपने जिलों में जाकर के करेंगे, क्या क्या कारण रहा कि ये निर्णय लेना पड़ा है। इसके अलावा मेरे साथी अक्षय जायसवाल मेरे साथ में है, वो बताएंगे अब कलेक्ट्रेट में भी नो मास्क नो एंट्री का एक जो है वो नियम लागू कर दिया गया है यहाँ भी कि बिना उसके अब किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। और रोडवेज में जो है जो कोरोना काल के अंदर जिनके परिजन जो एक्सपायर हो गए थे उन लोगों को लेकर के जाने के लिए दो लोगों के लिए सुविधा राज्य सरकार ने दे दी है कि वो परिजन उनके जा सकते हैं वहां पर, तो इस सबके बारे में जानकारी देंगे अक्षय जायसवाल। सबसे पहले बात करते हैं दिनेश जांगी से। दिनेश, क्या कृषि बिलों को लेकर के क्या कांग्रेस का जो अभियान चल रहा है उसके तहत किसान सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं? जी देखिए, तीन कृषि कानून जो बनाए गए हैं केंद्र की तरफ से उसको लेकर कांग्रेस अग्रेसिव लड़ाई लड़ रही है। पहले दोनों सदन चले, लोकसभा राज्यसभा, वहां भी काफी हंगामा किया। उसके बाद राहुल गांधी ने देखा होगा किस तरह उन्होंने पंजाब से लेकर हरियाणा तक एक किसान खेती बचाओ ट्रैक्टर यात्रा निकाली, राज्यपालों को ज्ञापन दिए गए, तमाम बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके तहत तमाम राज्यों की राजधानी में 10 अक्टूबर को जो है किसान सम्मेलन होंगे। तो इसके तहत बिरला सभागार में भी किसान सम्मेलन होगा जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, तमाम मंत्री विधायकों के साथ पार्टी के नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। कितने लोगों का शामिल होने का है? साथ ही जो किसान है वो भी भारी तादाद में उसमें शामिल होंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये सम्मेलन होगा। तो जो कैपेसिटी है उसके तहत एक एक सीट का बताया जा रहा है, बीच में गैप रखा जाएगा, पूरा उसका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन किसान सम्मेलन होना तय है। लगातार राष्ट्रव्यापी आंदोलन उनका जारी है, 14 नवंबर को समापन होगा। 2 करोड़ किसानों का इस पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे और फिर ये ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया जाएगा, फिर विधिवत इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का समापन हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस अच्छे विपक्ष के रूप में नजर आ रही है, मुद्दे को भुनाना चाहती है। उसी के तहत ये किसान सम्मेलन यहाँ पर आयोजित होगा जिसमें हो सकता है दिल्ली से बड़े नेता भी आ सकते हैं, ये संभावना भी जताई जा रही है। एक जो दूसरा बात निकल करके सामने आ रही है कि जो एपिसोड होता है पायलट वाला उसके बाद में मंत्रियों की सुनवाई तो खैर बंदी थी ये कोरोना काल के चलते, लेकिन अब ये जिलों के अंदर जाएगी सुनवाई। जी देखिए, प्रभारी अजय माकन के बनने के बाद एक तो मंत्रियों को मजबूत किया गया, प्रभार वाले जिलों में कई पावर दिए गए, तो उनको कहा है कि आप हर महीने जिले में जाएंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे, उनकी शिकायतें सुनेंगे, शिकायतें का समाधान किस तरह होता है उसका स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी। और पहले चुनाव के चलते फिर कोरोना के चलते फरवरी में मंत्री दरबार जो लगता था पीसीसी में पार्टी दफ्तर में वो बंद हो गया था, लेकिन अब साफ हो गया है कि पीसीसी में मंत्री जनसुनवाई नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारी आते हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उससे अच्छा मैसेज नहीं जा रहा था। तो अब नए प्रभारी के निर्देश के तहत जिलों में जाएंगे, वहीं शिकायतें सुनी जाएगी, एक अच्छा मैसेज भी उसका जाता है। हालांकि उनके आवास पर सरकारी बंगलों पर पहले की तरह जनसुनवाई जारी रहेगी, लेकिन पार्टी दफ्तर में जब सचिन पायलट कैंप की तरफ से शिकायतें आती थी कि मंत्री बंगलों पर बैठते नहीं, पदाधिकारी की सुनते नहीं, तब आलाकमान के निर्देश पर मंत्री दरबार लगने का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन अब वो फार्मूला नए प्रभारी के निर्देशों पर लगभग बंद हो चुका है। एक निकाय चुनाव को लेकर क्या डायरेक्शन आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो राज्य सरकार ने चर्चा दायर की? राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जो 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने का फैसला दिया था उसको बरकरार रखा है, उस पर आदेश को रोकने पर कोई राहत यहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा खुद पंचायत चुनाव करा रहे हो राजस्थान में, बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे, हाँ राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट से ये रिलीफ ले सकता है, कोर्ट में जा सकता है कि हमें 15 दिन 10 दिन चुनाव कराने के लिए आगे जाए वो चाहिए वक्त या फिर अलग अलग चरणों में चाहिए, लेकिन 7 दिन बाद आप चुनाव कार्यक्रम जारी करिए। तो तय है 14 अक्टूबर को राजस्थान में नगर निगम चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन सरकार के सामने दिक्कत हो चुकी है कि किस तरह इतना टाइम बचा नहीं है, किस तरह प्रचार प्रसार करे, टिकटों का वितरण करे, कई चीजें बड़े नगर निगम है, सीधे सीएम
यूडीएच मंत्री और राजधानी जयपुर के निगमों के चुनाव है, छोटे चुनाव नहीं है। इसी बीच 31 अक्टूबर तक आपने तबादलों पर बैन हटाया था, उस बैन का भी फायदा कांग्रेस को मिल नहीं रहा, कर्मचारियों को राजी करने की थी। तो अब 11 तारीख को उप सरपंच के चुनाव के साथ 12 तारीख को मान लेते आचार संहिता हट जाती है, तो ऐसे में 2 दिन में तबादले होने कैसे संभव है? तो कई चीजें हैं, दिक्कत बढ़ गई है। तो अब राज्य निर्वाचन आयोग कैसे जाता है, क्या अलग अलग चरणों में कराता है, जैसे जयपुर के आज हो गए, कोटा के आज हो गए, कितना टाइम हाईकोर्ट देता है, ये भी गौर करने वाली बात है। ये तो कोरोना के चलते क्या कलेक्टर के अंदर अंतर सिंह नेहरा ने क्या कहा है? जी देखिए, जिस तरीके से कोविड की जो स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सख्त है, वहीं जो जयपुर के जिला कलेक्टर है अंतर सिंह नेहरा, आज उन्होंने नो मास्क नो एंट्री को लेकर एक जागरूक अभियान चलाया, जिसमें अब जो भी कर्मचारी है बिना मास्क के एंट्री नहीं कर पाएगा कलेक्ट्रेट परिसर में। इसके साथ ही उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक के जरिए भी आम जनता को संदेश देते हुए और कर्मचारियों को संदेश देते, बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनके लिए क्या वही नो मास्क एंट्री उनके लिए भी यही रहेगी। वहीं दूसरी बात, रोडवेज में जो यात्रा करने वाले हैं बसों में, यात्रियों के लिए फायदे की सुविधा के लिए, जिनके घर में मृत्यु हो जाती है कोरोना काल में या वैसे भी हो जाती है, तो रोडवेज ने यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक सुविधा यहाँ पर आम जनता को दी है। इसमें 2 व्यक्ति जिनके घर पर मृत्यु हो जाती है वो फ्री सेवा एक्सप्रेस बसों में यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी जयपुर के अंदर करीबन 423 के करीब नए केस आए हैं और 2100 से ज्यादा केस अभी भी पूरे राजस्थान के अंदर निकल करके आए हैं। तमाम जो है अभी तक हालात इसी तरह के बने हुए हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान पर आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपको जो बेल आइकन नजर आ रहा है आप इसको टच करेंगे तो अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।